हेलो फ्रेंड्स, आर्कनी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 या ऑस्कर अवार्ड 2022 का 94वां संस्करण है। इसका आयोजन 27 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया यूएसए स्थित लॉस एंजेलिस के थिएटर में किया गया। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और टेक्नीशियन को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। पहला समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी एक्टर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है बिल स्मिथ को। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है बिल स्मिथ को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मिला। मूवी का डायरेक्शन रोनाल्डो मार्कस ग्रीन ने किया। यह मूवी 19 नवम्बर 2021 में रिलीज हुई थी। यह मशहूर टेनिस प्लेयर सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता और कोच रिचर्ड्स विलियम्स की बायोग्राफिकल फिल्म है। इसमें बिल स्मिथ ने ही टाइटल रोल प्ले किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किससे मिला? राइट आंसर है जेसिका चेस्टेन। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को। फिल्म द आइज ऑफ टेमी फे में एक्टिंग के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। यह मूवी को माइकल सोलेटर ने डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है कोडा ने। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है कोडा ने। कोडा वर्ष 2021 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसके राइटर और डायरेक्टर सियान हेडर हैं। यह फिल्म वर्ष 2014 में बनी थी। फ्रांसीसी फिल्म ला फैमिले वेलियर की एक अंग्रेजी भाषा की रीमेक फिल्म है। एमिलिया जोन्स ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था। परिवार की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म के अधिकार एप्पल टीवी प्लस के पास है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी स्ट्रीमिंग कंपनी की फिल्म को इस कैटेगरी में ऑस्कर मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है जेन कैंपियन ने। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है जेन कैंपियन ने। जेन कैंपियन को फिल्म द पावर ऑफ द डार्क के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। यह फिल्म थॉमस सेवेज के 1967 किसी शीर्षक उपन्यास पर आधारित है। ऑस्कर जीतने वाली जेन कैंपियन दुनिया की तीसरी महिला डायरेक्टर बन गई हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? दोस्तों, राइट आंसर है ड्राइव माई कार ने। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है ड्राइव माई कार। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर रायूसुके हमागुची हैं। यह 2021 में लॉन्च हुई जापानी ड्रामा रोड फिल्म है। हिदेतोशी निशिजिमा ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ट्राय कोत्सुर ने। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है ट्राय कोत्सुर ने। फिल्म कोडा में बेहतरीन एक्टिंग के लिए ट्राय कोत्सुर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ट्राय कोत्सुर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अभिनेता बने। फिल्म कोडा की सह कलाकार मार्ली मैटलिन ऑस्कर जीतने वाले पहले वधिर अभिनेत्री थी। उन्होंने 1987 में चिल्ड्रंस ऑफ ए लेसर गॉड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता?
राइट आंसर है एरियाना देबोश ने। देखिए ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एरियाना देबोश ने। एरियाना देबोश ने फिल्म द बेस्ट साइड स्टोरी में एक्टिंग के लिए अवार्ड जीता। द बेस्ट साइड स्टोरी स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसने जीता। राइट आंसर है एन कैंटो ने। देखिए ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जीता है एन कैंटो। एन कैंटो वर्ष 2021 में लॉन्च हुई एक अमेरिकी कंप्यूटर एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। इसका प्रोड्यूसर वाल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो है। इस फिल्म को जारेड बुश ने डायरेक्ट किया। अगला प्रश्न है कि इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 6 ऑस्कर अवार्ड वर्ष 2022 में जीते। राइट आंसर है ड्यून। कौन कौन से? तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट साउंड और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में जीते हैं। ये हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पीडीएफ में दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है मारुति सुजुकी के प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड करें सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।